ये तो अभी स्पीकर साहब के ऊपर है कि वो शेड्यूल दे दें। ओपोजिशन की जानिब से किसी मुत्तहिदा ओपोजिशन और किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल किया गया, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी फारूक ब्लॉक के साथ मिलकर वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ना चाहे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्होंने सपोर्ट करेगी? अभी तक हमें ये इतला नहीं दी गई है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक, जब फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा तो फिर ही है ना। अभी तक भाई साहब ने अभी तस्दीक की है सर के फॉरवर्ड ब्लॉक उनका अपना है, तो अभी जब तक के वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने है, पसे चिलमन क्या हो रहा है इसका कोई पता नहीं है, जो सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि सर अगर सब लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं माय मुकद्दस, मैं आप भी मैं भी खुद इंतजार कर रहा हूं कि ये स्पीकर साहब शेड्यूल दें इलेक्शन कर रहे हैं, खुद भी स्पीकर रहे हैं, ये बताएं कि क्या इसमें कोई कदगन है कि आप आइन क्या कह रहे थे? आइन ये है जो इजलास होना था, ये जो लफ्ज है ना, पहले ये सिचुएशन कभी नहीं हुई थी, इससे पहले ऐसी सिचुएशन नहीं हुई थी। ये जो आइन में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फोर्थ विथ, इसका मतलब इमीडिएट फौरी तौर पर जो है इंतखाब कराया जाए, तो फौरी तौर पर इंतखाब कराने के लिए उनको, लेकिन उनका कोरम नहीं पूरा हो रहा था, तो उनको अभी भी शेड्यूल अगर उस दिन दे देते दे तो आज इलेक्शन हो चुका हो जाता है, दो दिन के गैप होता है बीच में, लेकिन वो चाहते हैं कि वो दो दिन का गैप खत्म करके एक ही दिन में किया, कायदा मुअत्तल करके, उसकी भी जरूरत नहीं थी, और अगर उस दिन आज से तीन दिन पहले दे देते तो आज हम सारे घरों को होते। सर पीटीआई की मजबूरी तो समझ में आती है, हमारी कोई तो मजबूरी नहीं, आप लोग क्यों नहीं ना पीपल्स पार्टी तस्लीम कर रही है ना नू लीग तस्लीम कर रही है कि उम्मीदवार घोड़ा मैदान में उतार रहा है, जाहिर है कुछ सवार होगा ना उस पर, सवार का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कि हम है 20, ठीक है, 20 में से अभी उम्मीदवार जो है पीटीआई पहले अपना उम्मीदवार तो लाए ना, ठीक आप उनको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो बात देखे ना, हुक्मरानी उन्होंने की 2 साल जी सही है, तो उनको पहले हक बनता है ना कि अपना उम्मीदवार ले आए, जब वो ले आएंगे तो हम अपना उम्मीदवार उसी वक्त कर रहे हैं। सर पीटीएम होते हैं? एक मिनट सर, पीटीएम तो यहाँ आजाद कश्मीर में पीटीएम नहीं है, पीटीएम नहीं, अपोजिशन इत्तेहाद है, अपोजिशन इत्तेहाद पीटीएम का नहीं। सर गुजारिश ये बताइए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहाँ मुत्तहिदा अपोजिशन की फार्मूला के साथ मिलकर हुकूमत साजी का कोई ऐसा फार्मूला हो तो क्या नून लीग इकतदार में ऐसा लेगी, मतलब शराकत इकतदार में गुजारते हुए लेगी? जी बिल्कुल लेंगे, मुस्लिम लीग इसमें भरपूर हिस्सा लेगी। सर फारूक ब्लॉक के साथ अगर पीपल्स पार्टी के कोई मामलात तय हो जाते हैं तो आप मुकम्मल उन दोनों को सपोर्ट करेंगे या आप ऐसा नहीं है कि हमारे अपने हम किसी के ताबे नहीं है, हमारी अपनी जमात है। सर दो नाम चल रहे हैं, चौधरी इखलाक और चौधरी रशीद, अगर फारूक ब्लॉक का लीजान बन जाता है तो इन दोनों में से कोई भी हुआ आपकी जमात उन्हें सपोर्ट करेगी? जब वो फाइनल करेंगे तो हमारे पास आएंगे, उस वक्त हम तय करेंगे। वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपना वो कैंडिडेट जो है वो किसी को अनाउंस कर सके, अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है कि पीटीआई ने कुछ हक राय हो गया अपना एक ही कैंडिडेट लाने का, इस वजह से इजलास बार बार आगे चला जा रहा है। सर पीटीआई का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का उम्मीदवार हुआ तो वोट देंगे उसको? ये फिर पार्टी बैठ कर करेगी, मतलब अभी हम बैठेंगे ना आपस में, हम देखें, हम दो कंपोनेंट हैं अपने पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग है, हमने बैठ कर एक मामला तय किया हुआ है उसी के मुताबिक करेंगे। सर आज भी जिन्नात का कोई है आने का? आप क्या कुरान मजीद में नहीं मौजूद है? आप जिन्नात को क्या नफी करना चाहते हैं? मेहरबानी सर, शुक्रिया शुक्रिया। राजा मोहम्मद फारूक हैदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पे। उनका जो मुतवक्को है, जिनके पास इस वक्त तक हमारे जो इतलात के मुताबिक 28 से 29 इमरान असम्बली की हमायत हासिल है, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की ये आर्जी इमारत है जो PND में कायम की गई है, चूँकि 8 अक्टूबर 2005 के जलजले में ये वाली हमारी कानून साज असम्बली की बिल्डिंग डैमेज हुई थी, जिसे डीमालिश किया गया, और इस वक्त हम आपको सूरत हाल बताएं, इमरान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन यहाँ पे पहुँचे हैं और साहब नंबर गेम बता के जाएं। देखे फैसले सारे होते हैं आसमानों पे, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, बेहतरी की तरफ चीजें जा रही है। साहब आप विड्रा हो गए राज को तो क्या फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ हतमी मुजाकरात आपके हो गए जी? फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ किस फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जो फॉरवर्ड ब्लॉक जिससे उम्मीदवार आ रहे हैं वजारत उज़्मा का अभी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ही कोई नहीं है, कोई नाम पार्टी की तरफ से कौन सा नाम आ रहा है? अभी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ही कोई नहीं है ना, आपका नाम है अभी या मजीद कोई नाम आपने चॉइस किया? अभी कोई जा रहे हैं हम स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं तो फिर आपको बताएंगे। सर क्या लगता है आज इजलास हो सकेगा? सर कोशिश हमारी हो जाए लेकिन हुकूमत की मर्जी है वो करवाती है नहीं। आप लोग सर इंतखाब के अमल के लिए तैयार हैं? आपका उम्मीदवार हम तो तीन दिन पहले से तैयार थे। सर कितने इमरान की आपको हमायत हासिल है और क्या फॉरवर्ड ब्लॉक कोई बन चुका है बरिश्ते साहब का? मतलब आजाद पूरी है तो हम ये देख रहे हैं कि नाम सुना उधर से बीच में प्राइम मिनिस्टर के लिए बस मियां साहब का समझ रहे हैं बिल्कुल ये अच्छी खबर है। किसी दुश्मन ने उड़ाया अच्छी खबर। आपके उम्मीदवार किस नाम पे आपकी जमात ने इत्तेफाक किया? देखिए उम्मीदवार पहले उधर से आएगा तो फिर हमारा भी आ जाएगा। अभी हम स्पीकर साहब के पास जाएं कोई एक दो नाम बता जाए। लोग सर जानना चाह रहे हैं आपके मियां साहब यासीन साहब उम्मीदवार हैं बता दें सर। यासीन साहब अभी तक उम्मीदवार हैं सर? अभी उन्होंने खुद यहाँ पे मीडिया टॉक की थी कि वो उम्मीदवार हैं। मियां साहब ने सोशल मीडिया पे भी उनको नहीं यासीन साहब थे उम्मीदवार, यासीन साहब विड्रॉ कर गए। सर आपके जिंदा पार्टी कोई उम्मीदवार आएगा या कोई मुजाकरात चल रहे हैं किसी फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ कुछ इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे या आपकी जमात और मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि हसन खालिद साहब ने जो नाम सामने आए थे उन्होंने इनकार कर दिया है अपोजिशन को भी सपोर्ट करने से कि अगर इस तरह का कोई चौधरी इखलाक साहब जैसा या इस तरह का नाम सामने आता है या फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई आता है तो हम साथ नहीं देंगे। हसन साहब की अपनी एक पोलिटिकल पार्टी है, उसके वो सरबराह हैं, ही इज वन एंड ओनली। वो कामल कुलियतन आजाद हैं अपनी राय कायम करने में। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम 20 लोग हैं, 20 के 20 हम इकट्ठे रहें, हमें उनकी राय का भी बसत एहतराम है। जहाँ तक जो यासीन साहब की बात है, उन्होंने गुज़श्ता कल अपना कैंडिनेचर जो है वो वापस ले लिया है रजाकारना तौर पर। लीडरशिप को भी उन्होंने बता दिया है कि जी आई एम नो मोर कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। अब लीडरशिप ने तय करना है और गालबन तय हो चुका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी होगा उससे मिलकर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट बने। जो भी होगा या फाइनल हो जाएगा जो भी होगा उम्मीदवार फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा जी इंशाल्लाह।